नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। महंगाई को लेकर सपाइयों ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में सपाइयों ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सपा मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शहजाद ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। सपाइयों ने महंगाई पर अंकुश नहीं लगाने पर सरकार से इस्तीफा देने की मांग की है। समाजवादी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड जिलाध्यक्ष मोहम्मद शहजाद के नेतृत्व में भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के पास एकत्रित हुए। कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए मार्च निकाला। एसडीएम को राज्यपाल के नाम बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए ज्ञापन दिया। जिला अध्यक्ष मोहम्मद शहजाद ने कहा कि सरकार आम जनता और किसान विरोधी काम कर रही है। किसान अपना घर छोड़कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। केंद्र व प्रदेश सरकार ना तो महंगाई पर रोक लगा पा रही है और ना ही अपराध पर, जिससे जनता कराह उठी है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों ने हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ा दी है। गरीब तबके के लोगों को दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है। युवा नेता समाज वादी लोहिया युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार उर्फ भजन ने कहा कि किसी को सरकार रोजगार तो नहीं दे रही है, ऊपर से महंगाई बढ़ाने से बेरोजगारी जरूर बढ़ रही है। समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष शिव मंगल तिवारी ने कहा कि अन्याय, अराजकता, उत्पीड़न, महंगाई व बेरोजगारी को लेकर संघर्ष तेज करना होगा। इसी क्रम में जिला सचिव पिंटू यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार में हर वर्ग के लोग परेशान हैं। यदि महंगाई से निजात पाना है तो भाजपा को उखाड़ फेंकना होगा। इस मौके पर अली अहमद, पवन भीमपाल, अशोक लंकेश, अमजद खान, सचिन बसंत अग्रहरी, राजदेव निषाद, अनिल वेंकटेश, नदीम सिद्दीकी, जरताब रजा खां व अमरीश कांत गौतम आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। राजदेव यादव की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।